सियासत में नजर मिलाने की बातें भी होती हैं, आंखें मिलाने की बातें भी होती हैं, आंखें दिखाने की बातें भी होती हैं। राजनीति की अगर बात की जाए तो हरियाणा की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ से गुजर रही है। त्रिकोणीय बयानबाजी, वार पलटवार का दौर, और इन दिनों निर्दलीय विधायकों की जो मुलाकात हुई बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव से, और उस मुलाकात के बाद निर्दलीय विधायकों के जो बयान आए उसको लेकर जेजेपी के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। दिग्विजय चौटाला ने निर्दलीय विधायकों से ये कहा कि ये दुष्यंत चौटाला से काम भी लेते हैं, आगे भी काम लेंगे, लेकिन इस तरह के बयानों के बाद दुष्यंत चौटाला से नजरें कैसे मिलाएंगे, उनसे आंखें कैसे मिलाएंगे। सोमवीर सांगवान का नाम लेकर उन्होंने सीधा वार किया, महम के विधायक के पर वार किया, नैनपाल रावत पर उन्होंने निशाना साधा, और फिर ये बात कि कैसे मिलाओगे नजर, अब नजर कौन किससे कब किस तरह से मिलाएगा या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दिग्विजय चौटाला और निर्दलीय विधायकों के बीच जो वार पलटवार का दौर जारी है, इस बीच अब दिग्विजय चौटाला के बयान पर, जेजेपी नेता, जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला के बयान पर निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय चौटाला में बचपना है, अनमेच्योर पर्सन है। हम आपको दिग्विजय चौटाला का वो बयान भी सुनाएंगे, वन टू वन भी सुनाएंगे, लेकिन विधायकों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं दी गई हैं निर्दलीय विधायकों की तरफ से, वो भी आपको हम दिखाएंगे सुनाएंगे। तो सोमवीर सांगवान कह रहे हैं कि अनमैच्योर पर्सन है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सोमवीर सांगवान कह रहे थे कि 25% नाराजगी या पाप तो वैसे ही कम हो जाएंगे, इनको हटा दिया जाए जेजेपी को सरकार से। तो दिग्विजय चौटाला ने कहा कि भाई 75% पाप करने वाला कौन है, सोमवीर सांगवान बताएं। तो सोमवीर सांगवान ने क्या जवाब दिया वो सुनिए आप। ने ये नहीं कहा 75% पाप, 25% पाप करें, लेकिन वो कह रहे हैं पाप, वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में, जो क्या है बचपना है, मैच्योर पर्सन है, सरपंच तक बना नहीं, मेंबर तक बना नहीं है, तो राजनीति में सदर बहुत लंबी चीज होती है। वो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा, मैंने कहा कि 25% नाराजगी दूर हो जाएगी, मैंने पाप के लिए नहीं बोला था, अनमेच्योर अनसम हो जाते हुए कुछ भी कह सकता, उसके बारे में कोई कॉमेंट नहीं करना चाहता। तो वहीं सोमवीर सांगवान ने यह भी कहा कि मैंने इनसे कोई काम नहीं करवाया, इन्होंने, जेजेपी ने जनता के साथ धोखा किया है, जेजेपी के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। वो किस बात पर कह रहे थे वो भी आप सुनिए। काम करना सरकार का काम है, जनता की आवाज उठाना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज तक आज भी कोई काम मैंने इसे करवाया और इसने कराया हो चौधरी जनता जो काम था मैंने मनोहरलाल ने किया, आठ में लड़ने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम किसी से भी आंख मिला सकते हैं, गलत जब है नहीं, हम बिल्कुल बेला के लिए बेदाग आदमी है, समाज का काम करने वाले हैं, आंख मिलाने वाली कौन सी बात है, कोई दादा करी तो गुंडागर्दी थोड़ी चलते यहाँ पे। ये समाज के साथ इन्होंने वोट मांग के जो धोखा किया था, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के जो धोखा किया, जनता के जो समर्थन कराया, सरकार में शामिल होकर जो कराया, वो नाराजगी है वो मैंने बताई थी 25% लोग।